गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं करने लगी थी किचन की थोड़ी सी सफाई जो पूरी हो नहीं पाई है और एक साथ मैं कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि एग्जर्शन के बाद जो तकलीफ़ मुझे हो जाती है बहुत ज़्यादा पेन की दिक्कत, तो थोड़ा सा किया है एक तरफ का, थोड़ा धीरे धीरे कर पाएंगे जितना उतना करेंगे। त्यौहार में जो है तबीयत ख़राब नहीं करनी है। बाकी देव ने साफ मना कर दिया है कि अब डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। वो बहुत तेज लगी है, ये देखिए मेरी हालत। चाय बनाने जा रहे थे, एक बर्तन में दूध था एक में मलाई, दोनों साथ में लेके फ्रिज में रखने जा रहे थे, स्लिप हो गया। बस मैंने छोड़ा नहीं बर्तन, पर काफी दूर तक दीवार में ऊपर तक उछला है दूध। यार हेल्प करने वाला कोई नहीं, काम और बढ़ता जा रहा है। चैन से चाय भी नसीब नहीं। अब पहले ये काम कर ले उसके बाद फिर चाय पिए करना पड़ेगा। बहुत थके। चाय मैंने पी ली है और किचन की साफ सफाई भी कर दी है और बैठ के चाय भी पी ली है इत्मीनान से। अब चलते हैं, कपड़े उठा लेते हैं और पौधों में डाल देते हैं पानी, क्योंकि 6 बजे से मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊँगी, तो ये सारे काम निपटा लेते हैं फटाफट से, आलस से नहीं करते हैं। पक जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे। और यहाँ पर आ गए हैं दो गिरगिट, दो आए, पता नहीं दिखते नहीं हैं बिल्कुल, पौधों कलर के रहते हैं, कुछ टच करो तो उछल के भागते हैं। बड़ी मुश्किल है, इनके चक्कर में घास वास भी नहीं साफ कर पा रहे हैं। वहीं से वीडियो कॉल पे बात हो रही है और अपने पूरे दिन का हिसाब किताब दे रही हैं वो, और क्या नाश्ता कर रही हैं वो भी दिखा रही हैं। तो अपना चुटपुट चुटपुट वर्कआउट करके आ गए हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट का टाइम है भाई, तो सीरियल देखेंगे उसके बाद खाना। वैसे ही लेट बनता है यार, 10 बजे के पहले खाना पीना होता नहीं है। 10 बजे पहले क्या, 10 बजे तो आते ही हैं मिस्टर मेरे पति देव, उसके बाद खाना पीना होता है। तो आज मूला है, हाँ
तो अब मैं देखने जा रही हूँ सीरियल, टाइम पास करेंगे क्या करें, पागलों की तरह अकेले कहाँ मारे मारे फिरे, तब सीरियल देखेंगे उसके बाद बाकी के काम निपटाएंगे और कुछ नहीं, और इतना ही है। भाभी को आज एक्सरसाइज करनी थी, कल उन्होंने किया, आज उनको फीवर आ गया। मतलब फीवर किसी और रीजन से है लेकिन एक्सरसाइज से परेशान हो गई थी तो आज फीवर भी आ गया उनको, उनका कट हो गया। देखो कल करेंगे तो करेंगे, चलिए मिलते हैं बाद में। बाद में क्या, चाहे तो आप मेरे साथ सीरियल देखिए। इस समय मैं देख रही हूँ डोरियाँ, 15 दिन से पका रहे हैं, वही 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 कहानी आ गया, बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मैंने देखना शुरू कर दिया, पर अब देख रहे हैं तो देख रहे हैं। चलिए सीरियल देखते हैं, उसके बाद बाकी के काम किए जाएंगे। तो घड़ी ने बजा दिए हैं 9 और अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट इधर उधर है क्योंकि घड़ी थोड़ी सी फास्ट है, तो मैं चलती हूँ फटाफट से चावल और सब्जी बना लेती हूँ। आटा गूंधा रखा है, चावल बनाने हैं, सब्जी बनी हुई रखी है, केवल आटा भी गूंधा रखा है, रोटियाँ बनानी है और चावल बनाने हैं, दो काम करने हैं मुझे, जो हो जाएगा फटाक से, मिस्टर अवस्थी के आने तक गरम गरम खाना रहेगा। तो बस आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड, और कुछ है नहीं, उसके बाद खाना वाना खाया जाएगा, फिर थोड़ी सी बातें बातें और टीवी देखना, सो जाना, यही है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ 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 अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और जिसने किया है उसका खूब 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 धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।